मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था ये। ले आओ पहाड़ों की कसम। उस्मान भी रुके ना, और रुक जाए यार। ओ बचत हो गई है ये। दो मिनट रुकते तो सही यार। ओए मेरे हाथ बर्फ बन गए यार। पटाखा चिकन पुलाव। फाइनली जी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब। फुल स्पीड से हो रही है, फुल स्पीड से। ये देखें, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। यार उस्मान भाई वेदर बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का। यार अभी भी वेदर अच्छा ना हो, दो दिन बारिश होती रही है, ये खूबसूरत वेदर है। क्या बात, लेकिन यार मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। क्यों अभी क्यों भाई, इतने अच्छे मौसम में भी एंजॉय नहीं कर रहा, फिर कैसे करेगा एंजॉय? यार मेरे दिल से अजीब सी आवाज आ रही है, दिल से आवाज आ रही है कि भाई अभी टाइम है, चला जा, सर्दियां खत्म हो जाएंगी। आंखों को ठंडक नहीं फील हो रही यार। अच्छा क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही तू सोच रहा है? बिल्कुल। स्नोफॉल ये। तो देर किस बात की, चले 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 चले, लेट्स गो लेट्स गो। निकल चुके हैं हम अपने मिशन पर, जो कि हमने अभी डिसाइड किया है। कितना जबरदस्त हमारा प्लान हुआ है, और हमेशा अचानक होने वाला ही प्लान कामयाब होता है। क्यों उस्मान भाई? ऐसा ही है, हम जा रहे हैं जी मरी एंजॉय करने। इस वजह से हम दोनों अकेले तो एंजॉय कर नहीं सकते थे, इसलिए हमारे साथ जा रहे हैं जी हमारे जुबैर भाई, साथ आयश, रुमान, हम सब मिल के आज इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। स्नो तो पहले ऑलरेडी उधर पड़ी हुई है, 3-4 दिन पहले भी स्नो हुई है और पीछे भी होती रही है। तो मरी जो है टोटली स्नो से कवर्ड है, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे स्नो फॉल भी हो, और ताकि हम और ज्यादा एंजॉय कर सकें। okay. कुछ लेते हैं स्नैक्स वगैरह खाने पीने में, साथ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ जो जो लेना है इधर से लेते हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में खूबसूरत मोटरवे बनी हुई है, आप सब एंजॉय कर रहे हैं इसको। एक लाइन सुनाइए वो भी चिप्स के लिए, अब एक मेरे लिए सुनाए। तेरे लिए दुनिया सजाई मैंने, मेरे लिए चिप्स खोल। क्या सुनाएंगे? सलाम ने फरमाया के रास्ते में कोई भी पत्थर उठाओ, पत्थर हो कोई कांटा हो कोई भी ऐसी चीज जो इंसान के लिए नुकसानदेह है, वो तकलीफ दे, उसको साइड पे कर दो तो सदका है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यार ये एक शॉर्टकट जा रहा है और एक लंबा रास्ता है, बता किस रास्ते से जाए? शॉर्टकट किधर जाओगे? नहीं करें जी का गली से जाने दे, फिर जाने दो जाने दे। आर यू श्योर? आपको यकीन है बॉस पे? यकीन है आपको? यार मुझे असल में तेजी गोली में नहीं होती, चलाने वाले के हाथ में होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहली दो चढ़ाई यही देख के मुंह खुला रह गया। और वैसे ये ट्रैक तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा, ना मैं फर्स्ट टाइम नहीं, पहले मैंने ये ट्रैक नहीं इस्तेमाल किया, हर बार उसी ट्रैक से गए हैं जी, जिसको आप लंबा वाला ट्रैक कह रहे हैं और इसको शॉर्ट वाला कह रहे हैं। ये ओल्ड रास्ता है और बहुत ज्यादा चढ़ाई है, इस वजह से ये आप चेक करें बहुत ज्यादा कम रश है। वो जो है स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ते हैं, लोगों के लिए सहूलत है। अगर रिवो शिव है बंदे के पास, बंदा ये वाला ट्रैक इस्तेमाल करे और जल्दी जल्दी जो है ऊपर पहुँच जाए। तो हम आज बॉस को लेके जा रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं जी जीगा गली। हमने अपनी बॉस पे ट्रस्ट किया और हमारे लेजेंड हैवी ड्राइवर उस्मान भाई ने हमें इतना जल्दी, आधा घंटा सेव हुआ हमारा। देखें जी खूबसूरत व्यू, लेकिन इससे भी खूबसूरत व्यू आगे आने लगा है नथिया गली के अंदर। बस अल्लाह करे जिसके लिए हम आए हैं स्नोफॉल के लिए वो भी हो, और हमारा ये जो है ट्रिप और ज्यादा जबरदस्त हो जाए। 5-10 मिनट के लिए हमने कहा अभी जीगा गली रुक जाते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा, साथ हम भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे। अभी हम निकल चुके हैं जी नथिया गली की जानेब। और उस्मान भाई एस्टिमेटेड क्या टाइम लगेगा हमें? तकरीबन 85 मिनट्स जीगा गली से नथिया गली तक का सफर
इंजॉय करते हैं यार। डेढ़ घंटा लगे तो मुझे तो आधे 90 मिनट लगते हैं तो ठीक है। अब जाके हमें हल्की हल्की जो है बर्फ नजर आना शुरू हुई है, तो वैसे तो रोड साफ के ऊपर है जी माल रोड, और यहाँ से हम लथिया गली का सफर स्टार्ट करने लगे हैं। जबरदस्त 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर नथिया गली जाते हुए हमें अच्छा पॉइंट लगा, चेक करें बड़ी खूबसूरत सा मोड़ है और पीछे पूरा पहाड़ स्नो से कवर्ड है, काफी फैमिलीज रुकी हुई। खैर जाने दे आसमान भी, फिर की तैयारी है, रुक जाना, ऊपर से स्लाइड लेनी है। यस फाइनली हम टॉप पे आ गए, चेक करें है तो ये काम डेंजरस। आप तो गोले मार रहे हैं यार, कोई बर्फ ये वो यार, रुक जाओ दो मिनट आज इधरा, दो मिनट बासन इधरा, आज आज आराम से आ जा, बस रुक जा इधर ही रुक जा, छोड़ वाह ग्लव मिल गया फाइनली जी, ग्लव हमने आज से ले लिया है। ये देखिए हाथ छोड़ के गिर गए, उस मां में रुके ना, और रुक जाए यार, ये यार यार अचानक आप, मैं आपको नहीं चढ़ूंगा आज, मैं मान में गए ओ गए ओ ओ ओ बचत होगी है, या अल्लाह शुक्र है बचत होगी है, ओ ओ ओ ओ ओ आप तो कसम से बचत होगी आपकी, तो आप नीचे पे नहीं जाने लगे थे। दानियाल क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ आपको गोला मारने की। चेक करें जी ये जगह जगह हम रुकते जा रहे हैं, क्योंकि भाई बॉस पे हमें ट्रस्ट तो है लेकिन साथ एहतियात भी तो जरूरी है। ओए मेरे को अब नहीं छोड़ूंगा, सुमान भी आपके बाल स्नो जब पड़ती है ना बहुत मजे के लगते हैं। मुझे डालने दे यार, आप क्या कर रहे हैं? जंगल में फंस चुके हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, इस बोतल में बर्फ डालेंगे, इसी को पिघलाएंगे इंजन की हीट से और वही पिएंगे। हम फंस चुके हैं यहाँ पे दूर दूर तक, 70,000 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह एक आखिरी गोला, ये बन गया जी, उस्मान भाई एक और बाहर आओ, बाहर नहीं बाहर बाहर निकालने जरा एक दफा, ये उस्मान भाई का मुंह देखे बर्फ ही बर्फ होगी। बहुत बहुत जबरदस्त निशाना है मेरा यार, क्या बात है, माशाल्लाह चेक करें पाइन ट्रीज पे बर्फ पड़ी हुई कितनी प्यारी लगती है। ये है जी इंग्लिश में मंकी, उर्दू में बंदर और पंजाबी में उस्मान भी आपको बताएंगे। चले भी हमने एक और जगह स्टॉप मारा है, जहाँ पर हमें अच्छी और ज्यादा बर्फ नजर आती है ना तो हम वहाँ पर स्टॉप मार लेते हैं। बर्फ कितनी डीप है, ओ ओ ये देखे ना कितनी नीचे है, ये सॉफ्ट बर्फ भी है। टायर उस्मान भाई दो मिनट रुकते तो सही यार, और सारा मेरा मोबाइल उस्मान भाई आपने, मैं अभी ऐसा गोला बना के जाऊंगा, बदला लेते हैं। एक और आपने मुझे बताया मेरा मुंह क्या है, वो मोबाइल की है देखें जरा जी, ले जो पक्की बात है, ये तो बिल्कुल ओए मेरे हाथ बर्फ बन गए यार, जिसके अंदर बर्फ देखे जरा, ये मस्जिद है माशाल्लाह, ओए वो देख सीढ़ियों पूरी कवर्ड है, मस्जिद लिखा हुआ था, मैं अंदर आया हूँ बस, इधर एक भाई नमाज पढ़ रहे थे मैंने उन्हीं के साथ पढ़ ली, शूज पहनते हैं और चलते हैं वापस। एक स्लाइड मिली और उधर रश भी कोई नहीं है, तो उतर रही हूँ, चले मैं ओए कितनी ठंडी हवा चली है, ये मैं टॉप पे पहुंचे और स्लाइड ये
अभी हम रुके हैं जी छांगा गली में। इधर चेक करें जरा कितनी फैमिलीज आई हुई है और हल्की हल्की धूप निकली हुई है। अभी टाइम है स्नो फाइट करने का, फिर उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। काले बादल तो आए हुए, अल्लाह करे। जाना लेके आना, भाग जा भाग। स्लाइड देखें जरा, ओए होए होए, ओ आई है, ओ ओ ओए होए। बहुत ही प्यारा व्यू है यार, और हवा जो चल रही है, रुमाल ऊपर दिखाओ जरा, पाइन ट्रीज किस तरह हवा की वजह से हिल रहे हैं, बादल इतनी स्पीड से चल रहे हैं, अल्लाह करे स्नोफॉल हो। आज कोई है चांसेस स्नोफॉल के? नहीं है यार, वो तो कह रहे हैं नहीं है, लेकिन अल्लाह करे हो। आए स्नो फाइट करते हैं। उन्होंने मेरा वेट नहीं पड़ा, अब गोला बना के जाऊंगा यार। मेरी फोटो बनाएं जी उनको छोड़ो। एक मेरे भैया फाइटिंग करने दो, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। डर के भाग गए थे ना, डर के भाग गए थे ना। इधर देखे तो सही ना। इधर यार बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा बर्फ रोड पे, और इधर गाड़ी जो है स्लिप होती है। हमने कितना जबरदस्त पॉइंट आया मरी ड्रिफ्ट, हमने भी मरी ड्रिफ्ट की है, अभी गाड़ी यूं हुई है, लेकिन हमें इतना फील नहीं हुआ। सामने बंदे खड़े डर गए, भाई ये गाड़ी को क्या हो गया। इधर तो बंदर जी सफाई हो रही है। चलें भाई अपनी लास्ट जगह पर रुके हैं, नथिया गली पहुंचने तक, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा स्नो नजर आई है। इसके बाद अंधेरा हो जाएगा। और कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है इधर। वो गेम खेलते हैं। एक मछली बर्फ में गई, मर गई। यार उस्मान भाई अगर इसमें मैं लेटूं तो आएगी वीडियो अच्छी। गो। नहीं यार नहीं 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 नहीं, ऐसा गोला बनाते हैं। नहीं ना, ना करना प्लीज, मुझे पैर ठंड लग रही है भाई। एक बहुत ही प्यारा सा हम गोला बनाएंगे, मुझे पहले फिर आयश के ऊपर मारेंगे। आ जी नथिया गली से ना, हमारा ये लास्ट डे था, अब जा रहे हैं हम खंजरा गली रुकेंगे। आ गया जी डोंगा गली, इधर भी काफी रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी नथिया गली, और आसमान भी फुल अंधेरा छाया हुआ है नथिया गली में। होपफुली स्नोफॉल होगी भाई। फाइनली नथिया गली पहुंच गए हैं हम। रही जी मस्जिद, सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज, अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ करते हैं कि स्नोफॉल हो जाए। क्यों जी ठंड। नमाज पढ़ने के बाद हम निकले हैं जी नथिया गली की रोड पे जी। गाड़ियाँ फुल स्नो से कवर्ड हैं। ये है जी नथिया गली का मोस्ट फेमस ताजमहल पटाखा चिकन रोस्ट। ये काम हो गया। इस टाइम पे जो ठंड लग रही है ना यार, इसका मजा ही कुछ और है। चादर भी की हुई है, ठंड भी लग रही है, अभी गर्मा गर्म खाना भी खाएंगे। यहाँ पे लोग पुराने बरसगीर के जो पुराने लोग थे ना वो भी यहाँ, ये सबसे पुराने रेस्टोरेंट है यहाँ पे, पहला जो बिल्डिंग अच्छा जब सीमेंट जाते फेमस भी है। एक फुल पटाखा रोस्ट कर दें, छह पीस की कढ़ाई बना दें। राइस में क्या है, बिरयानी है, पुलाव है, चिकन पुलाव मिलेगा, पुलाव मिलेगा, चिकन पुलाव एक कर। चले भाई ऑर्डर दे दिया, अब मैं गूगल पे चेक कर रहा हूँ भाई नथिया गली में स्नोफॉल का कोई चांस है या नहीं। अपने भाई को कहा भाई कहीं से हीटर अरेंज करके दे, उन्होंने कहा भाई नीचे वाले फ्लोर में मिलेगा। अरे बात सुने ना, 70% चांसेस है 7 बजे स्नोफॉल के। अगर स्नोफॉल हुई तो हम तो ये यहीं छोड़ जाएंगे। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये चेक करें, सीख कबाब की कढ़ाई माशाल्लाह से, रोटियाँ, पटाखा चिकन, पुलाव। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये आ गया जी पटाखा चिकन, चेक करें कितना ज़्यादा ऑयली है, इसको ट्राई करते हैं। वेरी टेस्टी। ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी प्लेट बना दी है, पुलाव भी साथ, पटाखा चिकन भी, और ये हमने जो कबाब की कढ़ाई बनवाई है ये भी। ये हमारी फर्स्ट बाइट यार, क्या। Close your eyes. ओए 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 ओए, इतनी ठंडी हवा। इशा की नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्नोफॉल का चांस नहीं है। गूगल ने हमारे साथ धोखा कर दिया। आयश प्रोग्राम तो मर गया हमारा, प्रोग्राम मर गया। ऐसा लगा मेरा मजाक।
चल अभी वापसी तो हमारी हो रही है, लेकिन इस टाइम पे जो ठंड लग रही है ना, वल्ला क्यों उस्मान भाई, सबके पांव गीले हैं क्योंकि सब बर्फ में घुसे रहे हैं ना। अभी हम वापस जा रहे थे नथिया गली से इटाबाद, और रास्ते में ही जो है स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। बाहर निकल के मैं आपको जरा चेक करवाता हूँ। फाइनली जी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो हल्की हल्की लगी हुई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है तेज होगी। हाँ जी रुमान, रुमान की सर पे देखें जरा, ये छत पे देखें जरा, किसी और तेज हो ना मजा आए ताकि। बाहर तो बहुत ठंड है यार, हल्की हल्की लगी हुई है, अल्लाह करे थोड़ी तेज हो, फिर एक जगह रुकते हैं। अभी वैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे बैठे स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। नथिया गली से बहुत ही आगे निकल चुके हैं, अपने बाद आने लगे, और ये थी लास्ट स्नोफॉल इस सीजन की, तो बस हमने थोड़ी बहुत देख ली और बाकी फिर हम निकल आए थे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इंशाल्लाह अगले सीजन अब देखेंगे। खैर खैर ये से पहुँच चुके हैं हरनोई, और सही पहाड़ी इलाका जो मोस्टली ख़तरनाक इलाका था वो क्रॉस हो गया। हम अभी एबटाबाद पहुँचे हैं, तो इधर भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है भाई साहब। तो करिश्मा है, करिश्मा देखें जी, स्नोफॉल एबटाबाद के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे देखें जरा खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मान भाई वी आर लकी, उनका तो ठंड से बुरा हाल हुआ है पीछे वालों का। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें जरा कितनी खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है और कितनी स्पीड से स्नोफॉल हो रही है, माशाल्लाह बादल भी गरज रहे हैं। क्या बात है यार, क्या अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखें जी कितने स्पीड से स्नोफॉल हो रही है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी फुल स्पीड से स्टार्ट हो गया, इतना लवली वेदर बन चुका है माशाल्लाह। हम एक जगह रुक गए हैं, चेक करें जरा नीचे स्नोफॉल, भाई साहब फुल स्पीड से हो रही है, फुल स्पीड से, ये देखें क्या बात है, ये देखें जरा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। में भाई क्या बात है, एबटाबाद में क्या बात है। असल बात यह है कि मैंने दिल से दुआ मांगी थी और आप लोगों के साथ मैंने मांगी थी, तो आप देखें मेरी दुआ किस तरह कबूल हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नथिया गली में दुआ मांगी थी और एबटाबाद में अल्लाह पाक ने स्नोफॉल दे दिया, माशाल्लाह। नीचे स्नोफॉल पड़ी। A few moments later. यार मजा आ गया, इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई है ना एबटाबाद बाईपास पे, और मजा आ गया। हरिपुर का पता नहीं कौन सा इलाका है, उधर हम रुके हैं किस होटल पे चाय पीने के लिए। मैंने इनको होटल वालों को बताया भी एबटाबाद बर्फबारी हुई है, कितना हैरान हो रहे थे, एबटाबाद बर्फबारी हुई है। चाय भी आ चुकी है गर्मा गर्म, भी चाय कैसी है, एक तो बारिश लगी हुई है ना बाहर, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा मीटर मार चुके हैं हम, लेजेंड हैवी ड्राइवर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर वापसी हो चुकी है, मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था ये। उस्मान भाई थक गया हूँ, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये है कि मेरी दुआ कबूल हुई है, और आप लोगों के सामने जब मैं नमाज पढ़ने जा रहा था तब भी मैंने आप लोगों के सामने बात की थी, भाई मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ के खुसूसी दुआ मांगूंगा। पता नहीं आज मेरा इतना दिल था लाइव स्नोफॉल देखने का, लेकिन नथिया गली में नहीं हो सकी, और उधर से वापसी पे मैं इतना डिसअपॉइंट था कि भाई गूगल 90% स्नोफॉल दिखा रहा, स्नोफॉल हो रही नहीं है, लेकिन वापसी पे अनबिलीवेबल यार एबटाबाद बाईपास पे जाके स्नोफॉल हुई, और ऐसी स्नोफॉल हुई है मज़ा आ गया। क्यों रुमान, लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था मेरा भी, और उस्मान भाई के साथ स्पेशली। मुझे तो इतनी खुशी है ना, मेरी दुआ कबूल हो, ये दुआ की है भाई या अल्लाह पाक स्नो फॉलो, बड़ा मजा है। उम्मीद है आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मजीद यूं सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।